राजनिवास के पीछे जहाँ हम जब गुजर रहे थे तो हमने देखा यहाँ पे काफी सारे पेड़ों को काट दिया गया है, और हम देख मार्किंग की भी अगर आप देखोगे, हम चलेंगे साथ में तो देखोगे काफी सारे पेड़ हैं, एक या दो पेड़ ही नहीं, जैसे कि आप इस पेड़ पे देख रहे हो मार्क्ड है यहाँ पे, जैसे नॉट जस्ट दिस प्लेस, मैंने और एक एक जगह देखा जो कि गोलघर में, मे बी दिस वॉज कट डाउन फॉर अ प्रोजेक्ट, शायद किसी प्रोजेक्ट के लिए काटा गया हो। नमस्कार, मैं हूँ विनीता, मैं न्यूज़ आप तक से हूँ। आज हम हैं राजनिवास के पीछे जहाँ हम जब गुजर रहे थे तो हमने देखा यहाँ पे काफ़ी सारे पेड़ों को काट दिया गया है, और हम देख सकते हैं कि ये जो पेड़ थे सारे फर ट्रीज़ एंड मैक्सिमम जो देख रहे हैं फर ट्रीज़ थे, और सब पे कुछ कुछ मार्किंग की हुई है। अगर आप देखोगे, हम चलेंगे साथ में तो देखोगे काफ़ी सारे पेड़ हैं, एक या दो पेड़ ही नहीं, काफ़ी सारे पेड़ों को काटा गया है यहाँ पे। एंड अगर हम ध्यान से देखें तो पेड़ों पे मार्किंग नज़र आ रही है हमें, जैसे कि आप इस पेड़ पे देख रहे हो मार्क्ड है यहाँ पे, आगे भी यहाँ पे पेड़ों पे मार्किंग की गई है, इस वाले पे भी मार्किंग की गई है। तो हमारा ये है कि मतलब जैसे नॉट जस्ट दिस प्लेस, मैंने और एक एक जगह देखा जो कि गोलघर में, मे बी दिस वॉज कट डाउन फॉर अ प्रोजेक्ट, शायद किसी प्रोजेक्ट के लिए काटा गया हो। सेम वे मैंने देखा गोलघर में भी जो पेट्रोल पंप के ऑपोजिट में जो पेड़ था, आई गेस दुकानों के जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स थे उसके सामने में जो एक या दो पेड़ थे वो काटे गए, जो कि संडे या सैटरडे को काटे गए, और मैंने आज देखा कि वहाँ पे एक स्टैच्यू की स्थापना की गई है। तो मेरा पूछना ये है न्यूज़ आप तक की तरफ से कि जब एडमिनिस्ट्रेशन किसी प्रोजेक्ट के लिए या फिर किसी स्टैच्यू स्थापना के लिए पेड़ों को काटने की इतनी ईजिली क्या कहते हैं परमिशन दे रही है, वहीं यहाँ के जो लोगों ने अपील की है, क्योंकि कुछ जो पेड़ हैं डेंजर उनके घरों के लिए डेंजरस हैं, या फिर अभी एक इंसिडेंट हुआ जिसके चलते एक डिफेंस वाले जो व्यक्ति थे उन पे एक पेड़ गिर गया और वो फ़िलहाल हॉस्पिटलाइज्ड हैं। ऐसे काफ़ी सारे केसेस अंडमान में हुए हैं जहां लोगों ने अपील किया है कि उनके घरों के पास के पेड़ों को या फिर किसी तरह के अन्य पेड़ों को जो उनके लिए हानिकारक है काटा जाए या रिमूव कराया जाए रास्ते से, वो नहीं किया गया। दूसरी बात ये है कि अंडमान जो पेड़ों से लबालब हुआ करता था, भरा हुआ करता था, आजकल कमर्शियलाइजेशन और प्रोजेक्ट्स के चलते यहाँ पे पेड़ों का काटा बहुत जा रहा है। हमने ये भी देखा है कि यहाँ पे कहते हैं कि आप अगर एक पेड़ काटो तो 10 पेड़ गाड़ा जाए, बट ये जो पेड़ गाड़े काटे जा रहे हैं रास्तों के बीच, दिस प्लेस यूज्ड टू बी वेरी ब्यूटीफुल, पेड़ों के जो यहाँ पे जो गाड़ियाँ पार होती हैं तो ये पेड़ों को देखना, इनका एक जो ठंडा ब्रीज होता था उनका जो हमें जो उससे बेनिफिट मिलती थी वो अभी कम हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे कुछ और कमर्शलाइजेशन किया जा रहा है। सेम वे यहाँ पे नॉट जस्ट दिस प्लेस, अंडमान के काफ़ी सारे इलाकों में ऐसे पेड़ों की कटौती हो रही है। तो हमारा ये जानना है कि ये अचानक से क्यों किया जा रहा है, और किया भी जा रहा है तो वाई नॉट टेक डाउन सच ट्रीज विच आर हार्म टू द पीपल अराउंड हियर। मैं आपकी रिपोर्टर विनीता, कैमरामैन शाहिद के साथ, न्यूज़ आप तक से, थैंक यू। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।